हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे AIB 18 की, जो हमने मैराथन स्टार्ट की है IP, उसी में आज के वीडियो में IPC पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल में पहली बार है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को वैसे पता है कि AIB 18 की जो मैराथन हम लोग ने स्टार्ट की है, और जो हम लोग का मेन टारगेट है कि AIB अटेम्प्ट को अपने पहले प्रयास पे पास करना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो टारगेट को हम लोग को 29 अक्टूबर तक अच्छे से तैयारी करना है और अपना जो रिजल्ट है वो अपने फेवर में लेना है। तो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ये जजमेंट है, जितना हो सके आप उसको पढ़िए और जहाँ से भी हो सके वहाँ से कवर करिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन में कोई फिक्स नहीं है कि 20 जजमेंट आएंगे कि 10 जजमेंट आएंगे कि 5 जजमेंट आएंगे, और ये आपको किसी बेयर एक्ट्स में नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके आपको कवर करना है, क्योंकि आपके बेयर एक्ट्स में ये जजमेंट नहीं मिलेंगे। तो एक चीज़ ये ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी अच्छे से करना है। जैसे आपको पता है ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह इस तरह के जजमेंट अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है और अगर आपको कहीं बाई चांस कोई नंबर आपके कम हो रहे हैं तो ये आपको पास कराने में मदद करेगा। और इस बार का AIB 18 थोड़ा टफ भी हो सकता है, तो इसलिए उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो ये IPC पार्ट 2 है, और IPC पार्ट 1 का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन 1 पे दे दूंगा, और ये अगर नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट AIB की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ऑलरेडी IPC पार्ट 1 है। और इसके पुराने जो मैंने जजमेंट डाले हैं उसको भी आप कवर करिए, जो पुराने वीडियो में हम लोगों ने डे फर्स्ट से स्टार्ट किया है। चलिए शुरू करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट में IPC पार्ट 2 का ये इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, और इसमें जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शन में आज के वीडियो में उपलब्ध है। तो सेक्शन 80 जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, और ये विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना जिसके जो इम्पॉर्टेंट केस ला है वो आर वर्सेज वॉकर का केस इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस ला है जगेश्वर वर्सेज इम्प्रेनर, जो कि सेक्शन 80 पे आधारित है, यानी कि धारा 80 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट केस ला है वो आर वर्सेज वॉकर है और जगवेश्वर वर्सेज इम्प्रेनर है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो केस ला है जिसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना है, जो कि एक लैंडमार्क है, जिसमें यह कहा गया है कि सेक्शन 81 यानी कि सेक्शन 81 में कार्य जिसमें अपहानिकारित होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। इसका जो इम्पोर्टेंट केस ला है जिसको आपने अपने ला के एग्जाम में भी पढ़ा होगा, क्यून वर्सेज डुडली, जो कि एक लैंडमार्क है और इसमें नेसेसिटी को भी बताया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है, जो कि क्यून वर्सेज डुडली। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस ला है, और जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का जो कार्य होता है उसको डॉली इन कैपेक्स बोलते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट केस ला है अंडर ईयर 7 ईयर एज। तो इस केस को किस नाम से जाना जाता है? डॉली इन कैपेक्स, जो कि अंडर ईयर 7 एज, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, उसको डॉली इन कैपेक्स के नाम से भी जाना जाता है। पिछली बार भी ये एग्जाम में आया था और लोगों ने इसको मार्क किया, उनके जो नंबर थे उनको अचीव हुए। तो ये चीज़ आप कि देख लीजिए, हमने ये पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया था ये जजमेंट, और ये जजमेंट आपके एग्जाम में आ गया। वही मैं कह रहा हूँ ना कि जजमेंट बहुत ज़्यादा मैं आपको अच्छे लैंडमार्क प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, और कन्फर्म है उसी से आते ही हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो डॉली इनकेपेक्स, जिसमें 7 साल वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट है सेक्शन 83, जो कि सेक्शन 82 से और 83 में थोड़ा डिफरेंस ये है कि ये डॉली कैपेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें इसमें अंडर ईयर 7 एज है जबकि इसमें 7 से 12 एज है, इसे डॉली कैपेस। तो कभी कभी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो इसको याद करने का तरीका ये है कि जो सबसे पहले जो डिजिट आता है 82 आता है, तो उसमें 7 साल से कम है, उसके बाद जो आता है वो 7 से 12 है। तो 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य डॉली कैपेस के नाम से जाना था। इसको न्यूसमेंट का केस के नाम से भी जाना था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस ला है डॉली कैपेस न्यूसमेंट केस। सेक्शन 84 धारा 84 विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, ये किसके जो इम्पॉर्टेंट केस ला है वो है MC नागटन केस, जो कि लीगली पर डिस्कस किया गया था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस ला है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क है उसको तो आपको ज़रूर अपने नोट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करना है। विकृत चित्त का व्यक्ति का कार MC नागटन के केस, जो कि लीगली पे आधारित है।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस ला है सेक्शन 86 पे, किसी व्यक्ति द्वारा जो ममता में है किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, उसका है इम्पॉर्टेंट केस ला है बेसदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। ये सेक्शन 86 आईपीसी का सबसे इम्पॉर्टेंट केस ला है। सेक्शन 87 सम्मति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहित कारित करने का आशय ना हो ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, इसको वॉले नॉन फिट इंजुरिया के नाम से भी जाना था। ये एक लीगल मैक्सिम है और ये लीगल मैक्सिम आपके टॉल्ट के एग्जाम में भी देखने को मिला होगा। स्वेच्छा से उठाई गई क्षति क्षति की श्रेणी में नहीं आता, वॉले नॉन फिट इंजुरिया। इसके इम्पॉर्टेंट किस सेक्शन से रिलेटेड करता है, तो सेक्शन 84, 86, 83, 87, तो आपको टिक करना है 87। तो इसलिए एक एक लाइन के जो फैक्ट्स है इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसमें आप किस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस ला है सेक्शन 107, एक सेक्शन यानी कि धारा 107 किसी बात का दुष्प्रेरण क्यों इन वर्षद मोहित के, जो कि सदी वाला केस के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि सदी वाला केस के नाम कौन है, क्यों वर्षद मोहित, और ये किस सेक्शन पर आधारित है, सेक्शन 107। तो ये थे आईपीसी पार्ट 2 का, और आईपीसी पार्ट 3 आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस ला मार्क कर लेने हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बार में गूगल की लिंक है उसमें जाके आपका वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए, रेटिंग कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर भेजिए, तो आपको इन वीडियो की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो अगर आपको चाहिए तो ये कार्य आपको करना होगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जजमेंट की सीरीज के साथ, तब तक आप अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।